for our channel. So today we are going to start new topic of class, and that is resource and development. So let's get started with the video. पिछली वीडियो में क्या पढ़ा, पिछली वीडियो में पढ़ा कि रेड एंड येलो सेल क्या होती है, उसका कलर क्या होता है, रेड एंड येलो में क्या होता है, हाइड्रेटेड होती है उनका कलर कौन सा होता है, रीजन पढ़े, लोकेशन सब कुछ पढ़ा, उसकी फॉर्मेशन पढ़ी, करेक्टरिस्टिक्स पढ़े. आज की वीडियो हम देखने वाले कंटेक्ट एंड उसके क्रॉप भी पढ़े. आज की वीडियो में हम सभी यही कुछ देखने वाले क्योंकि इस सोरस में मिलती यही वैरायटी पाई जाती है. तो आज की वीडियो की जो सोरी है वो कौन सी, लिटराइट सोरी. तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर देते. सबसे पहले इसका नाम कहां से है ये सबसे पहले क्लियर करना चाहिए. इसका लिटराइट क्यों डाला गया, उसका रेड एंड येलो इसलिए डाला गया क्योंकि उसका ऐसे कलर इसका ये था, फिर उसका ब्लैक इसलिए डाला गया, इसका ब्लैक कलर था. इसका लिटराइट क्यों डाला गया, इसका लिटराइट सॉरी इसलिए डाला गया क्योंकि ये ग्रीक वर्ड लेटिन वर्ड से लेटिन वर्ड आया है. यहाँ पे लेटिन वर्ड है लेटर, इसका मतलब होता है ब्रिक यानी इंट. वो आपको बताते हैं कि इसको इंट के साथ क्यों रिलेट किया गया है. चलो सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं. डिराइव को बता दिया इसका नाम लिटराइट क्यों पड़ा, क्योंकि लेटर वर्ड ब्रिक के साथ इसको रिलेट किया गया. बाद में बताते हैं कि ब्रिक के साथ रिलेट क्यों किया. वीडियो के एंड में बताएंगे. फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हुई, जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स होने लगती है, वोल्केनिक इरप्शन होने लगती है, तब लिटराइट सॉरी की फॉर्मेशन मेनली हो जाती है. जब बहुत सारी रेन आती है, एक्शन ऑफ रनिंग वॉटर, टेम्परेचर सब कुछ जब इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि मान लो अभी 44 डिग्री, मान लो मैं एग्जैक्टली मुझे पता, मान लो कि 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, 44 से सीधा 20 हो जाए, ये सीधा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वॉटर बाढ़ आनी शुरू हो जाए, एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट वॉटर आ जाए, तो क्या होगा, लिटराइट सॉइल की मिली फॉर्मेशन होगी. सिंपल. नेक्स्ट इसकी लोकेशन कहां पे, लिटराइट सॉइल की लोकेशन में मिली वेस्टर्न घाट पे. लर्न करना है यहाँ पे एक ही लोकेशन आ सकती है वेस्टर्न घाट, सिर्फ आपको वेस्टर्न घाट दिख गया हमारे मार्क्स का पक्का, ठीक है. नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें ह्यूमस कंटेंट नहीं है. इसमें क्या है, ह्यूमस कंटेंट नहीं, बाकी सारे पोटाश लाइम ऐसे जैसे जो चीजें हैं सभी इसमें पाए जाते हैं. अगर कंटेंट आ गया कि इसमें रिसोर्सेस कौन से पाए जाते हैं, मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, कंटेंट का मतलब ये है कि मिनरल कौन से इसमें, और ऑफ द मिनरल, और होता है जो कच्चा माल होता है, ये और इसका मतलब होता है कच्चा माल. मिनरल्स का मतलब जो है आयरन, माइका, मैंगनीज, पेट्रोल, ऐसे ऐसी चीजें कि इसमें और ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी आयरन की और का कुछ पार्ट जो पाया जाता है इसमें, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, लाइम, पोटास सब कुछ इसमें जो पाया जाता है, बट ये कच्चा माल पाया जाता है. अगर बोलें कि डायरेक्ट आयरन पाया जाता है तो वो नहीं पाया जाता, अगर बोलें कि डायरेक्ट फॉस्फोरस पाया जाता है वो नहीं पाया जाता, अगर बोले कि डायरेक्ट कैल्शियम पाया जाता है वो नहीं पाया जाता, उनकी कच्चा जो माल होता है ना, अगर उसकी प्रोसेसिंग होने वाली है वो उसमें सोयल में पाया जाता है. नेक्स्ट है इसकी क्रॉप कौन सी है, क्रॉप से हमारी टी एंड कॉफी, प्लांटेशन क्रॉप. प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है कि जो कि हम खुद के खाने के लिए नहीं उगाते, खुद के खाने के लिए ग्रो नहीं करते, बेचने के लिए, यानी कमर्शियल क्रॉप भी बोल सकते हैं कि कमर्शियल क्रॉप आर मेनली कॉल्ड एज प्लांटेशन क्रॉप, जिनकी प्लांट्स के ऐसे ग्रो किए जाते हैं, जैसे वीट है, राइस है, ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है. क्यों, क्योंकि हम खाते हैं. आप बोलोगे कॉफी और टी भी हम एक हिसाब के खाते हैं, जैसे चाय में डाल देते हैं, दूध भी डाल कर अगर कॉफी पिए तो वो भी एक हिसाब का खाते हैं, बट ये कमर्शियल क्रॉप है, इसको प्लांट में ग्रो किया जाता है, एक एक करके ग्रो किया जाता है और एक एक करके प्लक किया जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है प्लांटेशन क्रॉप. होप कि आपको क्लियर होगा. एक बार फिर से बता दूं कि इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है, टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और रेनफॉल बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है. ये बताते हैं अभी कि ब्रिक के साथ इसको क्यों रिलेट किया गया. सबसे पहले आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा, 1 मार्क्स का आपको इसका मिल जाएगा अगर आपने ये लिख दिया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो फॉर्मेशन का मिल जाएगा, लोकेशन का मिल जाएगा, आपको ये प्रॉपर्टीज का मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, 5 मार्क्स डन 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 डन. अब आपको बताता हूं ब्रिक के साथ क्यों रिलेट किया गया. आराम से एक होती है ना चिकनी मिट्टी, जिससे कि हम बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो बोलते हैं घड़ा, हमें घड़ा होता है उसको किससे बनाया जाता है, लिटराइट सॉइल से बनाया जाता है. किससे बनाया जाता है, लिटराइट सॉइल से. जैसे चिकनी मिट्टी होती है, या हम मिट्टी की चीजें बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बहुत सारे गोलक जैसे हम पैसे डालते हैं, जमा करते हैं,
अब तो प्लास्टिक कैन शुरू हो गई है, पहले पहले जो कह रखती थी वो मिट्टी से बनी होती थी, वो लिट्राइट सेल से मिली बनी होती थी। किससे बनी थी? लिट्राइट सेल से बनी होती थी। ऐसे जो है ब्रिक्स है वो किसमें बनती है? मिट्टी से बनती है। किससे बनती है? सोयल से बनती है। और वो सोयल मोस्टली क्या होती है? लेट्राइट सोयल होती है, चीकनी मिट्टी। उसको हम ऐसे हिंदी में अगर बोलते उसको चीकनी मिट्टी कहा जाता है, अगर हम घर की भाषा करेंगे या ग्राम की भाषा करेंगे, चीकनी मिट्टी उसको बोला जाता है। उससे क्या बनती है? ब्रिक बनती है। और लेटर का मतलब क्या है? ब्रिक। इसलिए इसको लिट्राइट सोयल के साथ क्या किया गया? एक हिसाब का कनेक्शन बनाया गया, इंटरकनेक्ट किया गया, ताकि इसका नाम इसलिए लिट्राइट रखा क्योंकि इसके ब्रिक बनाने के काम आता है। That's why it is known as laterite soil. Clear? Cotton soil को black soil को cotton soil क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें cotton grow किया जाता है। अब laterite soil को इतना ज़्यादा कोई चीज़ grow नहीं की जाती, but इससे bricks बहुत बनती है, इसलिए इसको laterite soil कहा गया। Later का मतलब क्या है? Brick। Hope कि आपको एक video clear है, अगर आपको video clear हो गई है तो video को like कर देना, चैनल को subscribe कर देना, इस video को अपने friends के साथ share करना, और ये भी बताना comment box में इस video का आपको कौन सा part सबसे अच्छा लगा। Thank you for watching.